नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, नफरती राजनीति और जहरीली मीडिया का असर इतना है कि हमें हिंदू मुस्लिम एकता वाले बहुत कम वीडियो देखने को मिलते हैं। उत्तराखंड से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो आपका दिल जीत लेगा। उत्तराखंड की हल्द्वानी में तथाकथित धर्म के कुछ ठेकेदार और कट्टरवादी हिंदू नेता मुस्लिम दुकानदारों की दुकान खाली कराने की मुहिम चलाए हुए थे। अचानक एक ऐसा मकान मालिक टकराया कि सबक सिखा दिया। ये कट्टरवादी नेता जब मुसलमानों की दुकान खाली करा रहे थे तो हिंदू दुकान मालिक ने कहा कि मेरे किरायेदारों की गारंटी मैं लेता हूं, उनके व्यवहार की गारंटी मैं लेता हूं, लेकिन दुकान खाली नहीं कराऊंगा। प्रेम वाली बात है, मेरे दुकानदार ने मेरी गारंटी होगी। आपकी गारंटी कोई गलत काम करेगा तो आपको मेरी गारंटी है। आपकी गारंटी है, गारंटी मेरी है। अगर सब धोखा देता हूँ मेरी गारंटी है। आज की डेट में जिंदगी भर की गारंटी आपकी, जब तक मेरा रहेगा तब तक गारंटी रहेगी आपकी। हाँ, मेरी रहेगी। कट्टरवादी नेताओं ने कहा कि भाई साहब कल तक दुकान खाली करा दीजिए, हम तो यही कहते हैं। तो फिर दुकान मालिक को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि कल तक दुकान खाली कराना तो छोड़ो, तुम यहाँ से जाओ, अगर ये दुकान नहीं खोलेंगे तो मैं दुकान खोलूंगा। तुम आगे हम तो आपसे कह रहे हैं कि कल से मत खोलो। अरे तुम नहीं आने दोगे, जाओ तुम। तो दुकान मालिक ने वहाँ धर्म के इन तथाकथित ठेकेदारों को, धर्म के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को वहां से रवाना कर दिया। दोस्तों, ये होते हैं सच्चे हिंदू, ये होते हैं समाज के सच्चे हीरो जो संख्या में बहुत कम रह गए हैं। लेकिन ऐसे लोगों की समाज को जरूरत है, देश को जरूरत है। और ऐसे लोग उत्तराखंड की सरकार और वहां के प्रशासन को भी जगाते हैं कि आपकी नाक के नीचे इस तरह की गुंडागर्दी चल रही है और आप सोए हुए हैं। ऐसे में खुद समाज को आगे आने की जरूरत है। और ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो दुकान मालिक हैं, जैसे इन भाई ने सबक सिखाया, ऐसे ही हमें कट्टरवादी लोगों के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। तो ऐसे लोगों की हिम्मत को सलाम है जो वाकई सच्चे हिंदू हैं। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म हो, इंसानियत के साथ चलने का पैगाम देता है। तो ये हर किसी को समझना चाहिए कि धर्म की रक्षा करना, दुकानों को तोड़ना या किसी का मकान खाली कराना नहीं है, लोगों को बसाना, लोगों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। आप ऐसे जिस तरह हिंदू मकान मालिक ने मुस्लिम किराएदारों के लिए खड़े होने का साहस दिखाया, उसके लिए क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रहे पब्लिक मीटर। नमस्कार।